गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल आशा चंदेल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये देखो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो इसी बेस पे बनाई थी। देखा है, अक्सर ये होता रहता है हमारे साथ। अभी मैं जा रही हूँ पद्धर, और अभी मेरे बस को सचमुच ही 10 मिनट है, और मम्मी ने मेरे हाथ में दराती पकड़ा दी। कहते कि जब तक टाइम है तब तक घास काट के लेके आ थोड़ा सा, तो मैं वही काटने जा रही हूँ। यार सीरियसली, मतलब है ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई, जो भी टाइम बचे काम कर लो उस टाइम पे। सो मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, बस का इंतज़ार कर रही हूँ, आती होगी 10 मिनट में। तब तक काट लेती हूँ थोड़ा सा घास यहाँ पे, ठीक है। ये दे दिया हमने इसको काट के घास, जमुना नाम है इसका। गाइस मैं कर रही हूँ बस का वेट, और 8 बज गए हैं, तो बस आती होगी थोड़ी देर में, और सो फिर मैं दिखाऊंगी। वैसे मैं मतलब जहाँ जा रही हूँ पद्धर जा रही हूँ, तो वहाँ से ना व्यू बहुत ही अच्छा पड़ता है, और वो मैं आपको दिखाते जाऊँगी, ठीक है। उसमें बीच में स्टेशन पड़ेगा झटिंगरी, खोकरदार, फिर हिमरी गंगा। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, अगर किसी को घूमना है तो वहाँ जा सकते हैं घूमने। और जब स्कूल टाइम में हम झटिंगरी में पढ़ते थे, तो हम वहाँ पे पिकनिक वगैरह बनाते थे बधौनदार में। मतलब बहुत अच्छा व्यू है यार। अपनी बस आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से एक ही बस जाती है यार, सिर्फ एक। अगर ये छूट गई ना, फिर पैदल यात्रा होगी। तो अपनी बस आ चुकी है, और मैं बस में बैठती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे का व्यू, ठीक है। सो बस में बहुत भीड़ थी, और मैं खड़े खड़े चली गई। फिर ये देख सकते हैं आप व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये ऊल नदी है, ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो फिर मैं पहुँच गई झटिंगरी, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्यारा सा क्यूट सा छिल्लू आया, लेकर दादू लेके आए इसको, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं सोचा इसकी वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने पढ़ाई भी करी हुई है, और गाइस यहाँ पे मेला लगता है झटिंगरी का मेला 21 जून को। तो अगर आप लोग आसपास के हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, और आधे से ज़्यादा लोगों को पता है। तो फिर यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, यहाँ पर मतलब राजा रानी का महल भी था बहुत पुराना झटिंगरी में। तो फिर हम सीधे पहुंच गए फटाखर में, ये बहुत ही प्यारा गांव है। सो गाइस हम पहुंच गए फिर बधौनधार। तो यहाँ पे मतलब हम स्कूल टाइम में पिकनिक बनाया करते थे, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। यहाँ पर पहाड़ी गानों की शूटिंग भी होती है, और जब कंगना झटिंगरी आई थी तो यहाँ पे जो है लैंड किया था। मतलब यहाँ पे वैसे ना एयरपोर्ट बनने की भी मतलब न्यूज़ सुनने को आई थी, और यहाँ पे हुई थी इंस्पेक्शन वगैरह, तो बना रहे थे। अब पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम आ गई। और वैसे भी अगर यार एयरपोर्ट बन गया ना, तो यहाँ का पूरा एरिया चला जाएगा। यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, मतलब बहुत गांव भी है यहाँ पे आसपास। एयरपोर्ट बनेगा तो बहुत बड़ी जगह जाएगी ना, तो पूरा गाँव चला जाएगा। तो इस वजह से जो है यहाँ पे शायद लोग नहीं मानेंगे, ऐसे मानना भी नहीं चाहिए यार। फैसिलिटी तो मिलेगी, लेकिन उन लोगों का क्या, यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है ना, और खेत यहाँ पे बहुत ही प्यारे हैं। तो इस वजह से उन लोगों का क्या, बेचारों का कहाँ जाएंगे वो। सरकार उनको पैसा देगी और जगह देगी, चलो घर बनाने के लिए देगी, लेकिन खेती कहाँ से करेंगे वो। यहाँ पर पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, मतलब ये क्योंकि पूरा ना प्लेन एरिया है, तो इसलिए मतलब सरकार को भी इसी रहेगा यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने के लिए। ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा ये, क्योंकि ज़्यादा कटाई वगैरह नहीं करना पड़ेगी ना। और ये देख सकते कितना प्यारा है ये, तो मतलब चलते चलते मैंने व्यू लिया है, तो इसलिए ज़्यादा प्यारा नहीं आया। बस में थी मैं, और कैमरा भी बहुत हिल रहा है, यू नो। तो ऐसा ही सामने देखो पानी का खूह है, मतलब हम पहाड़ी भाषा में खूह बोलते हैं यहाँ पे, मतलब कुएं जैसा बोल सकते हैं आप एक टाइप का, अगर इसको।
तो मौसम भी कुछ इस प्रकार का था, बरसात के दिन है तो धुंध तो होगी ही, और फिर उसके बाद आगे जाके जो मेरी मासी के मतलब मेरी मासी का घर है तो उनके पोते पोती बैठ के, और मुझे खड़े खड़े जाने पड़ा क्योंकि मैंने उनको अपनी सीट दे दी। तो फिर मुझे फिर मैं सो फाइनली मैं पहुंच गई पद्धर। तो मैं चली गई सबसे पहले खाने मुझे वाले। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि मैं 8 बजे घर से निकली थी और 10 बज गए हैं और खाना भी नहीं खाया है, और फिर मैं इसे चाउमीन खा रही थी बट विदाउट अनियन। चाउमीन विदाउट अनियन चल पड़े पत्थर की सड़कों में पैरल। सो यहाँ मैं आई अपने फ़ोन में ग्लास का डलवाने, फ़ोन टूट गया था पिछले कल। तो हेयर इज इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, और इसके आगे एक और है हिम हेड, उसके नीचे ही घर है तो वहीं मैं जा रही हूँ। अभी तो मैं पैदल पैदल चल रही हूँ, बस इस मेरे पीछे से ऐसी आ रही है जैसे मेरे को उड़ा के लेके जाएगी। ना यहाँ से बहुत पहले गई थी पैदल और आज जा रही हूँ कई सालों के बाद। वैसे हम जाते भी बहुत कम है क्योंकि हम अलग अलग रहते हैं ना, अंकल अलग से हम अलग से, मतलब दो जगह हैं घर। तो बस अभी मैं यहाँ से पैदल पैदल जा रही हूँ, और गर्मी है, धूप नहीं है इतनी पर गर्मी लग रही है। वैसे तो हर गर्मी का मौसम है, वैसे तो बरसात भी आ चुकी है यू नो। सो अभी यहाँ से जा रही हूँ, आई डोंट नो आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है बट प्लीज़ मैनेज यार। देखो यार यहाँ कितनी सारी लकड़ियाँ रखी है, आ जाओ हम सब चोरी करके ले जाते हैं, सड़क के पास ही रखी है। मैं पहुँच गई हूँ घर और अभी हम बैठे, जस्ट थोड़ा सा टाइम हुआ, और ये है हमारी दादी जी, और ये है हमारी आंटी जी, और ये है आसमी क्यूटी पाई, और वहाँ भी हमारे दादी। गाइस हम थोड़ी देर बैठे और थोड़े से बोर हुए और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और कुछ मेहमान आए थे, तो फिर अभी हम फ्री हुए और अभी हम जा रहे हैं घास लाने, पेड़ पे से काट के लेके आना है। यहाँ पे बोलते हैं खड़क, ठीक है। ये मेरे पीछे देखो, ये हमारे दादाजी के छिल्लू है, और यहाँ से जा रहे हैं हम, मैं और आंटी। आंटी चले आगे आगे, मैं दिखाती हूँ। नाले में लेके जा रहे हैं आप हमें, हैं? ये कुछ है, ये रस्ते था मैं पहली बार चली। हाँ मतलब आस की दीदे खेत है थी भाई। अच्छा एक कैसे रही रवि अंकल बना रही, दीपू भाई बना रही, एडे दूर मैं तो सोचे नर पा रही है घर वाले। इस सिरा ते दवाई लगाई, ये देखो कौन ये खड़कर, ये तो सीधी सीधी चढ़ना क्या चढ़ जाने, बड़े खतरनाक है। मैं इकट्ठा कर लूं। ये निकाल दिया हमने अपनी गाय के लिए चारा, और ये देखो मुझे क्या मिल गया, कशमोले हमारे अभी हरे हैं और यहाँ पे पक चुके हैं। मीठे तो चलिए गाइस, बारिश भी आने वाली है और हम भी तैयार हैं अपने घास के साथ। चलिए बारिश भी अभी आने वाली है और हम भी जा रहे हैं घर, ठीक है, बाय बाय।